हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श के जायके में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाते हैं बहुत जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता। तो ये मैंने लिया है एक कटोरी सूजी। सूजी मोटी पतली जो भी आपके घर में हो वो आप ले सकते हैं। एक कटोरी दही, दही ताज़ा दही होना, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। ये लिया मैंने गाजर कटा हुआ एक कटोरी, एक कटोरी प्याज कटी हुई, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ये मैंने कूट करके डाला है, एक टेबल स्पून के आसपास होगा। अभी इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। आप इसमें और भी सब्जी, अपनी पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि सारा जो भी सब सब्जियां हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट के लिए। अभी देखिए 10 मिनट हो गया है, इसको हम चला के देखते हैं। तो देखिए हमारी सूजी फूल गई है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा हरी धनिया, आप हरी मिर्च भी इसमें काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालने की ज़रूरत है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अभी थोड़ा हमें और डालना पड़ेगा तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबल स्पून पानी इसमें और पड़ गया। तो इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना। अब ये परफेक्ट पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून तेल, राई कड़ी पत्ता से इसमें तड़का देंगे। ये 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल दिया है। अभी हम इसको जो पेस्ट बनाया है उसको उसमें इसमें तड़का दे देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा हमारा नाश्ता बन के रेडी होगा। तो इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। अभी हम मेरे पास इडली मेकर है, इसमें मैंने ऑयल कर लगा करके अच्छे से अभी सारे सांचों में ये इडली का पेस्ट डाल करके हमें इसको 10 से 5 मिनट के लिए पकाना है, जैसे हम इडली बनाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये इडली का बर्तन गरम करने को डाल दिया था, पानी गरम हो गया। अब इसमें हम सारे अपनी प्लेटें लगा सकते हैं। इडली मेकर हर किसी के पास अलग अलग तरीके से होगा, जैसा भी हो आप उसमें ऐसे ही लगाएं। अभी इसको मैं 5 से 6 7 मिनट तक ही इसमें हमें पकाना है। इसको हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक हम इसको पका लेंगे भाप में। अभी आइए हम इसके साथ बनाते हैं एक चटनी। तो ये मैंने नारियल लिया है, 1/2 कप मूंगफली लिया है और 1 टेबल स्पून के आसपास चना दाल है। ये लाल हरी मिर्च और 2 लहसुन और कड़ी पत्ता के कुछ पत्ते हैं, तो इनको हम भून लेते हैं। ये मैंने मूंगफली है, पहले इसको हमें भून लेना है। जब ये आधी पक जाए ना तो इसमें चने की दाल डाल देना है। अगर आपके पास जैसे बाजार में भुना हुआ चने की दाल आती है वो है तो वो फिर फ्राई करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने चने की दाल से फ्राई करके डाल ली। अब एक मिक्सी में डाल लेती नारियल, हरी मिर्च, 2 लहसुन और इसको अभी हमें पीसना है। अभी मेरा ये दाल और ये फ्राई हो गया, अब इसको भी हम डाल लेते हैं इसमें। आप चने की दाल को ऐसे फ्राई करके डालोगे तो भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी सी धनिया भी डाल देती हूँ इसमें काट करके। और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमें महीन चटनी पीसनी है। ज़्यादा महीन है, थोड़ा दरदरी होगी तो और भी अच्छी लगेगी खाने में। तो आइए इसको हम पीस लेते हैं। तो चटनी हमारी बन के रेडी है, देखिए। अब इसको मैं बाउल में निकालती हूँ।
इडली के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसके साथ और भी ऐसी चटनी बनाएंगे तो इसके साथ सांभर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में ये। तो ये हमारी चटनी बन के रेडी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं क्योंकि जार जार में काफ़ी अभी चटनी लगी है, तो इसको भी इसमें हम डाल दिए। अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी आइए हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो तड़के में तेल की जैसे हम लगाते हैं राई, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च से मैंने ये तड़का तैयार कर लिया है। अब इसको चटनी में डाल देती हूँ। तो ये बन गई हमारी चटनी। अब आइए देखते हैं हमारी इडली का क्या हाल है। तो लगभग पक कर के रेडी हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं और ऐसे भाप में, फिर इसके बाद इसको निकालते हैं। तब इडली हमारी बन के रेडी हो गई है और ये मैंने निकाल लिया ठंडा होने के लिए। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में बहुत ही हेल्दी रहती है। सारी सब्जियां आप इसमें डाल करके बना सकते हैं। जब भी कुछ ऐसा नहीं समझ में आता क्या नाश्ता बनाए रोज रोज, तो आप फटाफट और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 10 मिनट में इसका आराम से मटर बना करके आप सेम टाइम बना के खा सकते हो। तो ये चटनी के साथ और भी टेस्टी लगती है। आप अपनी पसंद की चटनी और भी कोई सी बना सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, लेकिन ये चटनी बहुत अच्छी बनती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इनो डाल करके इसको बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।